So now when we start, there are mainly two types of three types of game and tournament questions. First of all, there are some knockout based tournaments. Second, round robin type. And third, arrangement type. Today, we will be covering two to three sets on each of the type, clearing their basics. Okay. The last set that I have kept is one of my favorites and one of the hardest set to crack in games and tournaments. So that is at the end point, if you will be able to survive till then. Okay. So उससे पहले हम ये तीन जो तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, मोर और लेस इनके नाम अब हमें क्लियर है. एट द स्टेज वी आर 1 month away from CAT, you all must have seen these type of cases and tournaments. But still, let's just talk about it a bit. First of all, when we talk about a knockout tournament, what is a knockout tournament? In a knockout tournament, there are some teams. हम सब टीम्स को कुछ रैंक देते हैं, कुछ सीट देते हैं. लेट अस से हमारा वर्ल्ड कप हो रहा है. वर्ल्ड कप में 16 टीम्स हैं. इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया. ऐसे करके लेट से 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और लेट से 15 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया. अब जब 15 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, नॉकआउट टूर्नामेंट में हमेशा क्या होता है, आपकी जो फर्स्ट सीड की टीम है वो लास्ट सीड की टीम से खेलती है. यानी कि अगर टोटल 16 टीम्स होती है तो फर्स्ट वाली खेलती है 16 के साथ, सेकेंड वाली खेलती हमारी 15 के साथ, थर्ड वाली खेलती 14 के साथ, एंड सो ऑन. सेवंथ वाली खेलती एट्थ वाली खेलती 9th के साथ. इस तरह से आपके अरेंजमेंट्स बनते हैं. नाउ देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल यू नो लुकिंग फॉर गेम्स एंड नॉकआउट टूर्नामेंट्स. लेट्स से देर आर थ्री स्टेजेस. मैं आपको कहता हूँ कि चार थ्री स्टेजेस का टूर्नामेंट है. स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री एंड स्टेज फोर. ये चार स्टेजेस का टूर्नामेंट है आपके पास गेम नॉकआउट टूर्नामेंट. तो कहने से जो फाइनल स्टेज होगी, यानी जो फोर्थ स्टेज है, अगर मैं इसको रिवर्स की बात कर रहा हूँ, फाइनल जो स्टेज है ये तो हमारा सेमी फाइनल होगा. फाइनल में कितनी टीम्स खेलती हैं? दो, फर्स्ट की और सेकेंड टीम. जो इससे पहले राउंड होगा इसे हम कहते हैं सेमीफाइनल ऑब्वियसली. अब सेमीफाइनल में कौन सी टीम्स होंगी? वन और फोर, टू और थ्री. यहां से आपके पास क्यों, ये आपके पास क्वार्टर फाइनल राउंड. क्वार्टर फाइनल राउंड में कितनी टीम्स होती है? 8 टीम्स होती है. ये खेलेंगे पार्टिसिपेट. और इससे पहले कितनी टीम्स होंगी? प्री क्वार्टर फाइनल. यहां पे कितनी टीम्स होंगी? 16 टीम्स होंगी. तो यहां पे कितनी खेलेंगी? 16. इस तरह से आपने इनकी रैंकिंग लिखी. ठीक है, नॉक एंड टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट्स की बेसिक मेथडोलॉजी. ठीक है, आपने रैंकिंग लिखी इनकी. फर्स्ट टीम आपकी लास्ट टीम के साथ प्ले करती होती है. फर्दर अब इसमें ना हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि यार अगर चार राउंड्स हैं आपके, इफ देर आर फोर राउंड्स, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ टीम्स दैट शुड बी आइडियली देयर? 2 to power 4, 16. जितने राउंड होते हैं, इफ देर आर एन राउंड, द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 2 to power n. सो अगर आपके पास सामने, मैंने कह दिया 6 राउंड हैं आपके, टोटल 6 राउंड हुए, तो नंबर ऑफ टीम्स वुड बी 2 to power 6, 64 टीम्स होंगी. ठीक है, फर्स्ट टीम खेलेगी 64 के साथ, सेकेंड खेलेगी 63 के साथ, एंड सो ऑन. अब इसमें ना एक बहुत बेसिक तरह का क्वेश्चन आ जाता है. व्हाट इज दैट बेसिक क्वेश्चन? कि इस नॉकआउट टूर्नामेंट में 7 स्टेजेस थी. लेट्स से आई एम गिविंग अ क्वेश्चन कि 7 स्टेजेस थी. इफ देयर इज नो अपसेट, व्हाट इज एन अपसेट? जिसमें लोअर रैंक की टीम अपर रैंक की टीम को हरा देती है. कि लेट्स से फर्स्ट और 16 का मैच हुआ, 16 ने फर्स्ट को हरा दिया, 16 रैंक की टीम ने फर्स्ट रैंक को, दैट इज कॉल्ड एन अपसेट. सो लेट इज अज्यूमिंग दैट देयर इज नो अपसेट, assuming there is no upset, तो 7 stages के tournament में 3rd stage पे 3rd number team के साथ कौन सी team का match होगा? अब मैं आपको कहूँ आपके पास 2 मिनट answer करने के लिए, या 1 मिनट है, what will be your answer? Total 7 stages है, 7 stages माने 64 teams. जो 3rd stage है उसमें 3rd rank वाली team का match किसके साथ होगा? This is the question. ओके, 14, 6, 14, 30. अब सिंपल सी बात बताइए, अगर 7 stages है, अगर टोटल 7 stages थी, तो टोटल टीम्स कितनी होनी चाहिए? 64. यानी फर्स्ट राउंड में 64 टीम्स थी.
ठीक है, सेकेंड राउंड में कितनी टीम्स बचेंगी, 32 टीम्स बचेंगी, थर्ड टीम में कितनी बचेंगी, 16 टीम्स बचेंगी, ऐसी होएगा, सॉरी 2^7, 7 राउंड्स है, 128 टीम्स हैं आपके पास, फर्स्ट राउंड में 128 है, सेकेंड में 64 है, और थर्ड में कितनी है आपके पास, 32 टीम्स है, ठीक है, टोटल आपके पास 7 राउंड्स है, तो 128 टीम्स है, फर्स्ट राउंड में 128 टीम्स है, सेकेंड में 64 है, और थर्ड में 32 है। आपको हमेशा एक सिंपल बात का याद रखना है यार, कि अगर मैं थर्ड में हूं तो मेरा फर्स्ट का मैच किससे होगा, 32 से होगा, यानी जो फर्स्ट रैंक और जो फाइनल रैंक है इसका टोटल कितना बन रहा है, 33। सिमिलरली सेकंड का मैच किसके साथ होगा, 31 के साथ, तो टोटल कितना बन रहा है, अगेन 33। अब मैंने किससे पूछा था, थर्ड रैंक से पूछा था, तो थर्ड का आंसर किससे बनेगा आपका, 3+30 33। तो इस तरह से अगर आप टोटल लगाएंगे तो इट विल बी ऑलवेज इजी फॉर यू। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ लेट अस से, मैं कहता हूं कि देर आर सिक्स राउंड्स, देर आर टोटल ऑफ सिक्स राउंड्स एंड देर आर 14 टीम्स, सॉरी नॉट 14, 62 टीम्स, और अब मैंने 128 कैसे आया, मैंने कहा था कि जितने भी राउंड्स होंगे 2^n आपके टीम्स होंगी, अगर n राउंड्स हैं तो टोटल टीम कितनी होंगी, 2^n, यानी अगर 7 राउंड्स है तो टीम्स क्या होंगे, 2^7, यानी 128 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमेशा आप एक बात याद रखेंगे कि फर्स्ट की पेयरिंग लास्ट से होती है, सेकंड की पेयरिंग सेकंड लास्ट से होती है हमेशा, तो अगर 62 टीम्स है तो फर्स्ट राउंड में कितने टीम्स को बाय देनी पड़ेगी, आपके पास 6 राउंड्स है, ठीक है, अगर 6 राउंड्स है तो टोटल टीम्स कितनी होनी चाहिए, 2^6, 64 टीम्स होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन टीम्स है कितनी हमारे पास, 62 टीम्स है, तो कितने टीम्स को बाय देनी पड़ेगी, 64 माइनस 62 टू टीम्स को बाय देनी पड़ेगी, और वो टू टीम्स कौन सी होंगी, फर्स्ट और सेकंड टीम ही होंगी आपकी, हमेशा टॉप वालों को एडवांटेज मिलती है, उन्हीं को बाय मिलती है हमेशा। अच्छा, अब ना इन क्वेश्चंस में ना बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं कि थर्ड राउंड में एक प्लेयर हार गया, बाय का मतलब होता है कि यार उसके साथ कोई खेलने वाला ही नहीं है, तो उसको हमने एडवांटेज देके आगे कर दिया अपने आप, ये होता है बाय का मतलब, कि फर्स्ट के साथ 64 का मैच होना था लेकिन 64 तो टीम्स ही नहीं है, टीम्स ही 62 है, तो जो टॉप की 2 होंगी उनको एडवांटेज देंगे, वो बिना खेले नेक्स्ट राउंड में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब यार गेम्स एंड टूर्नामेंट में नॉकआउट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि आप ना टेबल बना लो फटाफट से, व्हाट डू आई मीन बाय टेबल बना लो, कि लेट्स से 32 टीम्स है, मुझे 32 टीम्स की डिजाइनिंग करनी है सबसे पहले, और मुझे दिया हुआ है कि थर्ड स्टेज में 2 अपसेट हुए, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है कि यार फोर्थ स्टेज में 2 अपसेट हुए, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 32 टीम्स है, आप सबसे पहले हमेशा फटाफट इसकी डिजाइनिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब जैसे ही आपने हाफ लिखी तो अगला हाफ नीचे से शुरू हो जाता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। Now it is a cumbersome task at the first point, but it is very advantageous in the final stages. कैसे 32 है, इसके बाद कितने टीम रह जाएंगे, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसके बाद कितने रह जाएंगी, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 के बाद कितने रह जाएंगी, 4, उसके बाद 2। अब ये एक आइडियल सिनेरियो हुआ, दिस इज एन आइडियल सिनेरियो, इसमें कितनी स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फाइव स्टेज, दिस वाज अ फाइव स्टेज टूर्नामेंट, ये एक आइडियल सिनेरियो है जिसके अंदर की एक भी टीम ने अपसेट नहीं हुआ, कोई भी टीम अपसेट नहीं हुआ। अब लेट्स से मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, नाउ लेट्स से देयर वाज अ क्वेश्चन कि सेकंड राउंड में फोर्थ मैच अपसेट था, सेकेंड राउंड में फोर्थ मैच अपसेट था, ठीक है, यानी ये वाला मैच अपसेट था,
Then who will be playing? Who will be playing fifth rank team in round three? In round three. अब अगर आपने टेबल ना बनाया होता ना तो शायद आपको सोचना पड़ता, आपको कुछ हिसाब किताब लगाना पड़ता. लेकिन अब क्योंकि आपने टेबल बनाया हुआ है तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि यार सेकंड राउंड में फोर्थ अपसेट है, यानी फोर आना, फोर फोर की जगह क्या आएगा, 13 आएगा. आपको क्वेश्चन खत्म हो गया. क्या ये बेसिक सबको क्लियर हो गए? नाउ वी विल मूव टू सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस. ओके, लेट्स मूव. फटाफट से बताओ आंसर. ओके, लेट्स सॉल्व इट. सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर सेवन राउंड्स है, इफ देयर आर सेवन राउंड्स, हाउ मेनी टीम्स शुड बी देयर? सेवन राउंड्स में कितनी टीम होनी चाहिए आइडियली? हमने कहा था अगर एन राउंड्स है तो टू की पावर एन टीम्स होती है, तो टू की पावर सेवन 128 टीम्स होनी चाहिए थी. अब 128 टीम्स तो आइडियली होनी चाहिए थी, लेकिन कितने प्लेयर्स को बाय मिला? नाइन प्लेयर्स को बाय मिला. अगर नाइन प्लेयर्स को बाय मिला तो कहने से जो ऊपर के नाइन थे इनको खेलने के लिए नीचे के नाइन ही थे, यानी 128, 127 ऐसे करके नीचे के नौ प्लेयर्स नहीं थे. तो अगर नीचे के नौ प्लेयर्स नहीं थे इसलिए नौ को बाय मिला तो कितनी टीम्स होंगी? कहने से 128 माइनस नाइन 119 टीम्स होंगी. ये बात समझ आती है? 119 टीम्स होंगी. अब सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग इन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, स्पेशली इन नॉकआउट्स, Now, whenever you have to calculate the total number of matches, ठीक है? अब जब भी हमें total number of matches calculate करने हैं, तो please chart मत बनाने लग जाना कि अगर 119 teams है तो हम शुरू कर दिया कि 1 ने खेला नहीं, 10 ने खेला होगा 119 के साथ, ऐसे करके मत शुरू करो. आप सिंपली अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं. लेट से सिर्फ दो ही राउंड होते, 1 और 2, यहाँ पे आया 1, 4 और 2, 3. लेट से दिस इज सेमी फाइनल, दिस इज फाइनल. अब यहाँ पे जीता कौन? 1 जीता,
और टोटल चार प्लेयर्स थे, फोर्थ आउट हुआ, थर्ड आउट हुआ और सेकेंड आउट हुआ. फोर्थ आउट हुआ इस मैच में, थर्ड आउट हुआ इस मैच में और सेकेंड आउट हुआ इस मैच में. यानी जब भी मैंने किसी एक प्लेयर को आउट करना है उसके लिए मुझे एक मैच खेलना पड़ेगा उसको आउट करने के लिए, और जीतने वाला तो हमेशा एक ही होता है. तो अगर मुझे किसी एक प्लेयर को आउट करने के लिए एक मैच खेलना है और यहाँ पे टोटल प्लेयर्स है 119, हमने एक प्लेयर को जिताना है, यानी कितने प्लेयर्स को आउट करना है, 118 को आउट करना है. तो 118 को आउट करने के लिए कितने मैचेस खेलने पड़ेंगे, 118. इफ देयर आर एन टीम्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट्स, द नंबर ऑफ मैचेस दैट टेक प्लेस इज एन माइनस वन. इट इज ऑलवेज अ फिक्स्ड रूल. चाहे किसी को बाय मिली हो, चाहे किसी को बाय ना मिली हो, वट एवर द सिनेरियो इज, वो पेयरिंग अपने आप आगे जाके हो जाती है बाय मिल मिल के, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मैचेस रिमेन एन माइनस वन ओनली. क्लियर है सबको? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड थिंग. अज्यूमिंग देयर आर टू अपसेट्स, विच इज द लीस्ट रैंक प्लेयर हु कैन विन द टूर्नामेंट. सिर्फ दो अपसेट्स हैं. अब दो अपसेट्स हैं तो यानी कि फाइनल किस किसके बीच में होगा. लेट्स से अगर एक आइडियल सिनेरियो की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अ आइडियल सिनेरियो, वन और टू इज अ फाइनल, वन और फोर, यहां से क्या आया, टू और थ्री. इसके पीछे आपके पास बाकी राउंड थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये उससे पहले का सिनेरियो है. ठीक है, अब सिर्फ दो अपसेट हुए, देर आर ओनली टू अपसेट्स. अगर मैं पहला अपसेट यहां मान लू तो मैंने सेकंड रैंक की टीम को जिता दिया. अब अगर दो ही अपसेट हुए तो कैन आई से कि अगर मैं यहां से इसको अपसेट करता हूं, इसको यहां से अपसेट करता हूं तो कौन आगे निकलेगा, फोर. यहां से मैं थ्री को अपसेट करता हूं तो कौन आगे निकलेगा, थ्री. दो अपसेट पूरे हो गए, फाइनल में कौन पहुंचा, फोर और थ्री. अब यहां पे कोई अपसेट नहीं हुआ, यानी कौन मैच जीत गया, थर्ड रैंक मैच जीत गया. किसी भी तरीके से फोर्थ वाला अकेला नहीं कर सकता दो अपसेट्स. फोर्थ वाला अकेला दो अपसेट नहीं कर, सॉरी, फोर्थ वाला अकेला कर सकता है दो अपसेट्स. क्यों नहीं कर सकता, अगर वन और फोर ने यहां से किया सेकेंड सिनेरियो में, वन और फोर का जब मैच हुआ, वन फोर और टू थ्री, तो फोर ने यहां से अपसेट किया, फाइनल में पहुंच गया. यहां से टू और थ्री में टू जीता तो टू पहुंच गया. अब अगर फोर ने एक फर्स्ट अपसेट यहां पे किया था और सेकेंड अपसेट यहां किया तो कौन मैच जीत जाएगा, फोर्थ रैंक आपका मैच जीत जाएगा. फोर्थ रैंक विल विन द टूर्नामेंट. आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन. मैंने कहा कि सिर्फ दो बार अपसेट हुई है, यानी कि एक आइडियल सिनेरियो में क्या होगा, वन और टू यहां पे खेलेंगे, यहां वन और फोर और यहां टू और थ्री. अब मैं दो अपसेट कर सकता हूं, आई कैन ओनली डू टू अपसेट्स. या तो मेरा सिनेरियो वन होगा, सिनेरियो वन क्या होगा कि वन और फोर में से, यहां पे वन और फोर में से फोर ने अपसेट करा, फोर आगे पहुंच गया, टू और थ्री में से थ्री ने अपसेट किया और थ्री आगे पहुंच गया. अब फोर और थ्री जब आगे पहुंच गए तो यहां तो अपसेट होगा नहीं, तो मैं कहूंगा कि थर्ड जीता, आई विल से थर्ड विल विन. बट अगर मुझे दो ही अपसेट करने हैं और मेरे पास यहां पे दो ही राउंड है, तो क्यों नहीं मैं दोनों राउंड फोर से अपसेट करवा देता, कि जब वन और फोर का अपसेट हुआ तो फोर जीता, जब टू और थ्री का मैच था तो अपसेट नहीं हुआ, सिंपली टू जीता. तो यहां से फोर आ गया और यहां से टू आ गया, फाइनल हुआ टू और फोर के बीच में. अभी तक सिर्फ एक अपसेट हुआ था और सेकंड अपसेट मैंने कराया फाइनल में, तो मेरा टूर्नामेंट कौन जीतेगा, फोर्थ प्लेयर. सो इफ देयर आर टू अपसेट्स, द लीस्ट रैंक प्लेयर हु कैन विन द टूर्नामेंट इज फोर्थ रैंक प्लेयर. इज दिस क्लियर, यस और नो प्लीज? यस यस श्रेया, ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ. यस, यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फाइनल्स. दिवांशी, फोर्थ वन ऐसे हुआ ना कि वन और फोर का मैच हुआ, टू और थ्री का मैच हुआ, वन और फोर में से फोर जीत गया, अपसेट करी हुई, अपसेट वन हुई, टू और थ्री में से टू जीता, कोई अपसेट नहीं हुआ, कोई भी अपसेट नहीं हुआ. तो अब यहां फोर और टू है, ठीक है, और यहां पे मैंने अपसेट टू कर दिया, यहां मैंने अपसेट टू कर दिया. केशव आगे चल के उस पर देखेंगे, आगे क्वेश्चंस हैं थ्री अपसेट्स वाले भी, ठीक है. अब यहां पे मैंने अपसेट टू कर दिया, तो यहां पे कौन जीता, फोर्थ.
ओके, बाकी की डिस्कशन हम अगले क्वेश्चन में करते हैं. अपने दिस इज अ कैट 2005 क्वेश्चन, अगर आप में से किसने देखा हो पहले तो बाय चांस. ओके, ट्राई दिस. ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, 32 प्लेयर्स है, नॉकआउट टूर्नामेंट है. श्रेया मैं तुम्हारा डाउट लेता हूं, तुम ये क्वेश्चन करना शुरू करो पहले सारे. 32 प्लेयर्स है, नॉकआउट टूर्नामेंट का सिनेरियो है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है. बाकी और अगर आपके पास देखो 73 प्लेयर्स हैं, जस्ट इन केस आपके पास 6 राउंड कब होंगे, जब 2 की पावर 6, 64 टीम्स हैं. अब अगर 65th टीम भी आ गई मेरे पास, तो उसके लिए मुझे उसको एलिमिनेट करने के लिए एक राउंड तो करानी पड़ेगा ना, जिसमें सिर्फ एक ही टीम पार्टिसिपेट करेगी उसके साथ, और उसके बाद 64 बनाएंगे. तो आपके पास 7 राउंड ही होंगे अगर 73 टीम्स है टोटल. तो You have 5 minutes for this set. अपने stopwatch को 5 पे set कर लीजिए and try this question.
You have 1 more minute to solve the set. Okay, this is the ideal scenario. ठीक है, जैसे हमने कहा था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, 32 players हैं. I am just writing the ideal scenario. अब वो कह रहा है, if there are no upsets, a lower seeded player beating a higher seeded player in the first round, and only match number 6, 7, 8 of the second round result in upset. यानी कि अब देखो, if I have written it, it is so easy for me कि match number 6, 7, 8 कौन से, ये तीनों में upset हुए. Then who will be meeting Lindsay Davenport in the quarterfinals? In case Davenport reaches quarterfinal, अब Davenport का rank कौन सा है? यहाँ से हमारे पास second rank है. Second rank पे आना किसने था? Seventh ने आना था. लेकिन आएगा कौन? Tenth. अब tenth कौन है? Venus. आपका answer आ गया. So if you are writing it in this way, then concluding answers is the easiest thing you can do. ठीक है? Okay. Second round क्या है? If Elena Dementeva and Serena Williams lose in the second round में Elena Dementeva, okay, I'll repeat it. One of you have doubt. See, first question में हमें कहा कि there are no upsets in the first round, लेकिन second round में match number 6, 7, 8 are upset. ये हमें दिया हुआ कि second round में 6, 7 और 8 match upset हुआ. यानी 6, 6, 7 फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 6, 7, 8 मैच अपसेट हुआ. यानी अपसेट का मतलब 6 और 11 में से 6 ने जीतना था पर 11 जीता, 7 और 10 में से 7 ने जीतना था पर 10 जीता, और 8 और 9 में 8 ने जीतना था पर 9 जीता. अब ये तीन रिजल्ट आए हमारे सेकंड राउंड से, तो विच प्लेयर विल मीट लिंडसे डेवनपोर्ट इन क्वार्टर फाइनल. क्वार्टर फाइनल कौन सा होता है? ये क्वार्टर में लिंडसे डेवनपोर्ट, वो कौन सा नंबर पे? टू नंबर पे आना किसने था? सेवंथ प्लेयर ने आना था. लेकिन सेवेंथ की बजाय आया कौन सा प्लेयर? टेंथ प्लेयर. तो टेंथ नंबर पे कौन है? वीनस. सो वीनस विल मीट. दिस इज द आंसर. क्लियर है? नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इफ एलेना देमेंतेवा एंड सेरेना विलियम्स लूज इन द सेकंड राउंड. ठीक है, सेरेना विलियम्स इज एट्थ प्लेयर, वो सेकंड राउंड में हार गई है. ठीक है, सेकंड राउंड में आपको दिया हुआ है दैट सेरेना विलियम हैज लॉस्ट, यानी दिस मैच हैज बीन इज इन हैज लॉस्ट, एंड एलेना देमेंतेवा यानी सिक्स्थ प्लेयर, शी हैज आल्सो लॉस्ट. ठीक है, एंड जस्टिन हैनन एंड नादिया पोट्रोवा मेक इट टू सेमीफाइनल्स, हु विल प्ले मारिया शारापोवा इन क्वार्टर फाइनल्स. तो सेमीफाइनल तक तो मैंने जाना ही नहीं, सिर्फ क्वार्टर फाइनल की बात हो रही है. क्वार्टर फाइनल में किसने खेलना था? फर्स्ट के साथ एट्थ ने खेलना था. लेकिन यहां जब एट्थ और नाइन्थ का मैच हुआ तो कौन आगे निकल गया? नाइन्थ. तो कौन खेलेगा? पेट्रोवा विल प्ले. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ इन द फर्स्ट राउंड ऑल द इवन नंबर्ड मैचेस
And none of the odd number matches result in upset. Even number mane second, fourth, sixth, eighth, ye sare upset mein hue. And there are no upset in the second round. Second round mein koi upset nahi hua. Then who could be the lowest seeded player facing Mara Sharapova in a semi-final? Who would be the lowest seeded? Yani first or fourth. Semi-final mein yahan pe hona kya chahiye tha ideally? First or fourth. Lekin fourth. Yahan pe to fourth aaya nahi. Kyunki fourth ka match even number tha. Fourth का मैच इवन नंबर था तो इवन नंबर 4 और 29 की जगह यहां पे क्या मैच हुआ सेकंड राउंड में 4 और 29 में से 4 ने आना था लेकिन 29 आया तो 29 और 13. अब 29 और 13 आया यहां पे कोई अपसेट नहीं हुआ तो यहां पे कौन आएगा आगे हु विल कम एट दिस प्लेस बताओ कहने से 13 और 5 आएंगे अब यहां से यहां पे कौन खेलेगा फर्स्ट राउंड में कहने से 13 कैन प्ले उसने ये दिया हुआ देयर आर नो अपसेट्स इन द सेकंड राउंड लेकिन उसने थर्ड राउंड के बारे में कुछ नहीं बोला ही हैज सेड दैट देयर आर नो अपसेट्स इन द सेकंड राउंड बट ही हैज नेवर सेड दैट देयर इज नो अपसेट इन द थर्ड राउंड सो इन द सेमी फाइनल आउट ऑफ 13 एंड 5 13 कैन प्रोसीड 13 नंबर प्लेयर इज माइक्सना सो माइक्सना विल प्ले इज दिस क्लियर एवरीवन क्या सबको क्लियर है प्लीज रिप्लाई मी ने यस और नो ओके एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज इफ द टॉप 8 सीड्स मेक इन टू क्वार्टर फाइनल देन हु कुड बी द वन विच विल डेफिनेटली नॉट प्ले अगेंस्ट मारिया शारापोवा तो लोवेस्ट तो 13 ही हुआ ना लोवेस्ट मानी तो सबसे बेकार होता है ठीक है 5 और 13 में से सबसे बेकार लोवेस्ट कौन है 13 है ओके अब यहां पे हमें दिया हुआ है इफ द टॉप 8 सीड्स मेक इट टू क्वार्टर फाइनल यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्वार्टर फाइनल है ये सेमीफाइनल है और ये फाइनल है इन आइडियल सिनेरियो देन हु अमंगस्ट ऑल द प्लेयर्स लिस्टेड बिलो would definitely not play against Maria Sharapova in the final if in case Sharapova reaches the final. So, यार देखो 1 और 8 में से ये यहाँ पे आई 1 और 4 पे 1 और 4 से आई यहाँ पे तो कहने से नीचे से कोई भी प्लेयर आ सकता है जो अगर मैं 8th को छोड़ दू और 4th को छोड़ दू 4th और 8th को छोड़ के इन द केसेज ऑफ अपसेट एनी प्लेयर कैन कम द आंसर टू 13th लास्ट क्वेश्चन वॉज माइक स्किनर ये था लास्ट क्वेश्चन का आंसर सनी ठीक है एर्थ और फोर्थ को छोड़ के एनी वन कैन कम इन फाइनल गिवन देयर आर अपसेट्स तो ठीक है एर्थ पे कौन है सेरेना नहीं खेल सकती उसके साथ और फोर्थ पे कौन है क्लिस्टर्स किम क्लिस्टर्स नहीं खेल सकती उसके साथ सो द आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन इज किम क्लिस्टर्स इज दिस क्लियर एवरीवन यस और नो प्लीज ओके या इट्स अ कैट क्वेश्चन मतलब विश्वास नहीं हो रहा है इज इट दैट इजी और व्हाट सी हमें कहा हुआ है सेमीफाइनल में तो जो मर्जी आ जाए सेमीफाइनल में तो कोई भी आ सकता है ठीक है दिस इज अ फाइनल हमसे पूछा है कि यार फाइनल में कौन नहीं आ सकता सी अगर शारापोवा ने सेमीफाइनल में जाना है यानी फर्स्ट रैंक वाले प्लेयर ने सेमीफाइनल में जाना है तो उसने एर्थ वाले को भी हराया होगा और फोर्थ वाले को भी हराया होगा यानी कि जो शारापोवा है वो यहाँ पे एर्थ और फोर्थ को नहीं खेल सकती शारापोवा कैन नॉट प्ले एर्थ एंड फोर्थ इन द फाइनल शी कैन प्ले देम इन द सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल वेयर एवर बट शी कैन नॉट प्ले देम इन द फाइनल इफ शारापोवा इज रीचिंग द फाइनल एंड टू बी ऑनेस्ट अब आप लोगों को इजी इसलिए लग रहा है बिकॉज नाउ यू गाइज नो हाउ टू फॉर्मेट इट इन द फर्स्ट गो नहीं तो इसको आप मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन दे स्टार्ट मेकिंग केसेस जब भी वो ये पढ़ते हैं ना कि यार इवन वाले प्लेयर्स नहीं पहुंचे तो वो पहले क्या करते हैं इवन वालों को हटाते हैं फिर सेकंड राउंड में नए वाले केसेस बनाते हैं लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं थी यहां पे दिस वाज द मेन थिंग ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई दिस अगेन यू हैव 5 मिनट्स फॉर दिस सेट
हाँ जी, नाउ इट शुड बी द इजिएस्ट वन, फटाफट से आंसर बोलो क्या आएगा। ओके, लेट अस सॉल्व इट क्विकली। सबसे पहले क्या है, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टूर्नामेंट देयर इज अ सिंगल अपसेट, देन व्हिच इज द लोएस्ट रैंक ऑफ द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। यार अब एक ही अपसेट होनी है, अब एक अपसेट कहाँ हो सकती है, कहीं भी करा दो। अगर मैं यहाँ पे भी अपसेट करा दूं, 32 वाले को हरवा दूं, तो भी तो सेकंड वाला ही जीतेगा। अगर मैं वो अपसेट यहाँ पे करवा दूं, ठीक है, सेकंड थर्ड में, थर्ड वाले को, तो मेरा फर्स्ट वाला जीतेगा, तो मेरा लोएस्ट तो नहीं आएगा वो। यानी कि जो आपका लोएस्ट रैंक है जो कि ये जीत सकता है डिस्पाइट सिंगल अपसेट, दैट इज रैंक टू। इट्स द इजिएस्ट वन, रैंक टू। रैंक टू से अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो वन जीतेगा अगर सिंगल अपसेट है तो टू जीतेगा, इजिएस्ट दैट। ओके, सेकंड, एनी डाउट? नो। ओके, इफ देयर आर फोर अपसेट्स इन द टूर्नामेंट, अब चार अपसेट्स करानी है एंड द लोएस्ट रैंक। अब चार अपसेट कहां कहां कराऊंगा मैं? सी, अपसेट 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 अपसेट, सीधी बात है, 16 से अपसेट कराएंगे। 16 ने अपसेट करके यहां पे आया, 16 अपसेट करके यहां पे आया, 16 अपसेट करके ये जीत गया। तो यहां पे फर्स्ट अपसेट करी, यहां सेकंड अपसेट करी, यहां थर्ड अपसेट करी, और यहां फोर्थ अपसेट करी, एंड द 16th रैंक्ड पर्सन विंस इट। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, देन if there are three upsets in the first round and no upsets in the further round, what is the lowest possible rank of the team that can win the tournament? Lowest upset, theek hai, if there are three upsets in the first round, ab teen upset karni hai aur lowest wale ko jitana hai, to aapki hamesha koshish kya rahegi, top 3 ko bahar kar do, kyunki agar top 3 mein se koi bhi reh gaya upset ke bina to agle wale rounds mein to upset ho nahi rahi, to wahi jeetega. The answer is, for this question is फोर्थ रैंक वाला ही आपका जीत सकता है, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आई होप ऑल ऑफ यू आर नॉट अगेन मेकिंग द डिफरेंट केसेस इन दिस केस, आप अलग अलग केसेस नहीं बना रहे हो इसके अंदर। आपको बोला है कि यार वन, इफ इन राउंड वन एंड इन राउंड टू ऑल द इवन नंबर मैचेस रिजल्ट इन अपसेट, राउंड वन में भी और राउंड टू में भी सारे इवन नंबर वाले मैचेस अपसेट हुए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ द टीम दैट प्लेड अगेंस्ट द सेवंथ रैंक टीम इन द क्वार्टर फाइनल, तो सेवंथ के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में कौन पहुंचा। सी, सेवंथ के अगेंस्ट आना कौन चाहिए था? टू। अब इसको हमेशा रिवर्स चलेंगे कि सेवंथ के अगेंस्ट आना कौन चाहिए था? टू। लेकिन यहां पे टू वाले के साथ अपसेट हुई, तो टू की जगह कौन आया? 31, यानी इस प्लेयर में आया 31 आया यहाँ पे। ये बात समझ आई? हाँ, एक सेकेंड आना, आपने क्या बोला, कैन यू रिपीट द थर्ड वन? एक सेकेंड, थर्ड वाला बताता हूं मैं पहले।
if there are three upsets in the tournament and there is no upset in the other round. पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ तीन अपसेट्स हैं, सिर्फ तीन अपसेट्स हैं पूरे राउंड में. अगर मैं वो तीन अपसेट, लेट्स से मैं फर्स्ट को अपसेट कराता हूँ, सेकंड को कराता हूँ और एर्थ को करा देता हूँ, तो कहने से फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में थर्ड तो एंटर करेगा ही करेगा और फोर्थ भी करेगा ही करेगा. इसके बाद अगर कोई अपसेट नहीं हुई तो कौन जीतेगा? थर्ड वाला जीतेगा. इस केस में आपका जो लोएस्ट रैंक मैच जीता वो थर्ड जीता. लेकिन मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये थर्ड वाला हार गया हो, क्योंकि अगर ये पहले वाले तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों अपसेट में बाहर चले गए तो मेरे पास लोएस्ट रैंक कौन बचा? फोर्थ. अब क्योंकि आगे कोई अपसेट नहीं हुई तो फोर्थ वाला विल इवेंचुअली विन. इज दिस क्लियर नाउ फरहान एंड राणा? ओके, नाउ इन द फाइनल राउंड, इन द फाइनल राउंड इसका आपको बोला है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में सारे इवन नंबर के मैचेस भी अपसेट हुए और सेकंड राउंड में भी सारे इवन वाले अपसेट हुए. तो सेवंथ के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में कौन आएगा? ठीक है, अब क्वार्टर फाइनल में सेवंथ के अगेंस्ट आना किसको चाहिए था? आइडियली टू को आना चाहिए था, आइडियली सेवंथ के अगेंस्ट टू को आना चाहिए था. लेकिन टू वाला मैच यहां पे फर्स्ट राउंड में इवन था तो वहां पे अपसेट हुई और टू की जगह कौन आ गया? 31. सेकंड राउंड में टू की जगह 31 आ गया. ठीक है, और सिमिलरली जो 15 था, कहने से 15 तो आपका ऑड नंबर का मैच है, यहां से 15 ही आया होगा. मुझे इसी से मतलब है, मुझे और किसी भी रैंक से और किसी भी टीम से मतलब ही नहीं है. अब ये सेकंड राउंड है, नाउ दिस इज अ सेकंड राउंड. हमें दिया हुआ है इवन इन द सेकंड राउंड ऑल द इवन नंबर मैच रिजल्ट इन अपसेट्स. यानी कि यहां पे भी जो 31 और 13 का मैच, 15 का मैच हुआ, ये अपसेट हुआ, तो यहां से 15 को आना चाहिए था लेकिन आया कौन? 31. तो बेसिकली यहां पे सेकंड को खेलना चाहिए था लेकिन सेकंड की जगह 31 यहां पे आया और फिर 31 सेकंड की जगह यहां पे आया. तो इसका आंसर आया आपका 31. इज दिस क्लियर नाउ? यस और नो? आप हमेशा, वही मैंने आपको कहा कि द बेस्ट मेथड इज, आप एक बार हमेशा पहले पूरा चार्ट बना लेना. इट इज वेरी इजी टू मॉडिफाई द चार्ट instead of taking the cases again and again. ठीक है, बहुत easy होता है chart को modify करना. अगर आप यहाँ पे let us say hypothetically, शायद आप में से कोई कर भी रहा होगा, क्या करा आपने, यहाँ से 1 जीता, यहाँ पे तो 16 और even number match है तो यहाँ पे 17 आया और यहाँ पे ये आया, तो आपने दोबारा से अगर second round बनाओगे तो बहुत time लगेगा उसमें. Simple focus करना है जो match है और उसके बाद focus करना है जो चीज आनी चाहिए. ठीक है, let's move to the next question. You will have again 4 minutes for the next question and your time starts now. अब आप एक बात का ध्यान रखेंगे, दिस इज अ राउंड रॉबिन टाइप, इट इज नॉट अ नॉकआउट टाइम. इसमें हर टीम दो बार प्ले कर रही है दूसरी टीम को, नॉकआउट कोई नहीं हो रहा है एंड दे आर क्वालिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉइंट्स. सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ सेट्स दैट यू कैन फेस इन गेम्स एंड टूर्नामेंट, दैट इज राउंड रॉबिन टाइप.
None of you is correct up to this point. None of you. Sunny, you are correct for the one of your questions. Hemant, you are also correct. Siddharth, nahi. Very good, Sid. Okay, let's solve it. See, मोर और लेस ना ये आपका एवरेज पे कह सकते हो या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे कह सकते हो सेट होता है. मुश्किल नहीं होते, ये सिंपली आपकी थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं. अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि टोटल मैचेस कितने होंगे. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दैट विल टेक प्लेस. 56, यानी कि 56 ऐसे निकाला कि 8 है, 8c2 × 2, ठीक है. तो आपके पास आए 56 matches. अब आपके पास एक भी टाई नहीं है. देर इज नो टाई एंड देर इज नो ड्रॉ. सो कैन आई से दैट देर मस्ट बी 56 विन्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीम्स. आपके पास 8 टीमें हैं, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अरे ईच टीम प्लेस हुआ तभी ट्वाइस हुआ तभी तो 112 तभी तो 56 आया, नहीं तो 28 आता ना. 8c2 तो 28 होता है. हर टीम ने दो बार खेला तो 56 हो गया. अब आपको दिया हुआ है कि देयर आर 8 टीम्स, ठीक है. 8 टीमें हैं टोटल. सी अब मुझे सारे एक बात कहो, इज दिस पॉसिबिलिटी कि इस टीम ने 0 मैच जीते हो और इस मैच ने भी इसने भी 0 मैच जीते हो. इज दिस पॉसिबल. Yes or no? No, not possible. Why is it not possible? It is not possible because yes, 7th and 8th आपस में तो दो मैच खेलेंगे. And since none of the match is ending in a draw, तो इन दो का कोई ना कोई result तो आएगा. कोई ना कोई तो जीतेगा 7th और 8th में से. अगर ये 0 है तो ये 2 होगा, ये 0 है तो ये 2 होगा, या ये 1-1 होगा. तो यानी कि there is no possibility. There is no possibility कि आप सबको 0 दे रहे हो. अब जब भी मैंने मिनिमम पे ध्यान देना होता है, जब भी मैंने मिनिमम पे ध्यान देना होता है ना, जो टॉप के 3 है इसको तो छोड़ दो, इनको आगे जाने दो. मिनिमम कहां से आएगा? 4th से शुरू होगा. तो अगर मैं 4 से 8 प्लेयर की बात करूं, कितने प्लेयर्स हैं मेरे पास? ये 5 प्लेयर्स हैं. इन 5 प्लेयर्स ने आपस में कितने मैच खेलने हैं? हाउ मेनी matches will they play in between them, these 5 players. I'm not talking about 1, 2, 3. 1, 2, 3 ke inke saath matches ki baat nahi kar raha hoon. Main sirf ye assume kar raha hoon ki mere paas players hi 5 hai, 4, 5, 6, 7, and 8. So ye 5 players, 5c2 × 2, can I say 20 matches khelenge aapas mein, right? These player will play 20 matches in between. Yani ki ye 5 players aapas mein 20 wins ko distribute karenge. ये 5 प्लेयर्स आपस में 20 विन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब ये 20 विन्स को आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? कहने से 20/5, 4 विन्स ईच. हर कोई 4 जो है 5 के होम पे हार गया,
अपने होम पे अपने होम पे जीत गया, ठीक है, यानी फोर और फाइव को जो मैच था, लेट से एक फोर के होम ग्राउंड पे था, एक फाइव के होम ग्राउंड पे था, फोर के होम ग्राउंड वाला फोर जीत गया, फाइव के होम ग्राउंड वाला फाइव जीत गया, यानी जब फोर और फाइव के दो मैच हुए तो वन वन विनिंग, फोर और सेवन के सिक्स के हुए तो वन वन विनिंग, फोर और सेवन के हुए तो वन वन विनिंग, फोर के एट के हुए तो वन वन विनिंग। इस तरीके से फोर्थ प्लेयर ने कितने मैच जीते, चार। सिमिलरली फिफ्थ प्लेयर ने भी चार जीते, सिक्स ने भी चार जीते, सेवन्थ ने भी चार जीते और एट्थ ने भी चार जीते। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, 20 विन्स डिवाइडेड बाय 5, यानी 4 विन्स ईच। अब जो ऊपर के तीन है उनके इनसे ज्यादा है, हमें उनसे मतलब ही नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मेरे नीचे के पांच प्लेयर्स हैं इसमें इनने 4 ईच है, ठीक है, डेसिमल नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा इवन नंबर ऑफ गेम्स प्ले कर रहे हो ना आप, आएगा ही नहीं वो सिनेरियो नहीं आएगा। अगर वैसा आया तो आपको देना पड़ेगा नीचे वाले को 0, ऊपर वाले को 1, पर म्यूट करना पड़ेगा उसको और कुछ नहीं, आपको केसेस बनाने पड़ेंगे फिर, ठीक है। सो अब इस केस में इनके पास चार से ज्यादा विंस थी, इनके पास चार से ज्यादा विंस थी, इसके पास भी चार से ज्यादा विंस थी, लेकिन इन चार इन पांच प्लेयर्स के बाद 4 विंस ईच है, और इसमें से कोई एक तो क्वालिफाई करेगा ही करेगा, यानी कि अ टीम कुड हैव वॉन ओनली 4 मैचेस and still could have qualified. A team at minimum could have won 4 matches and still could have qualified. Is this clear or no? Yes, yes. जितनी मर्जी हो हमेशा टॉप थ्री को रिजर्व रखोगे आप मिनिमम में. फर्स्ट एंड सेकंड के तो आप जितने मर्जी मैच है ना, फर्स्ट ने कितने मैच खेलने हैं आपने, आपके फर्स्ट ने खेलने हैं टोटल ऑफ हर टीम ने टोटल कितने खेलने हैं, 14 मैच खेलने हैं, तो 14 में से इसको चाहे 14 जिता दो, इसको 12, सॉरी 14 तो मत जिताओ, 14 में से इसको 12 जिता दो, उसको 10 जिता दो, उसको 8, जैसे मर्जी निकालो, वो तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा आएंगी ना, उसमें तो हमने कहीं जाना ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं आएगा कि आप सबके अरेंजमेंट निकाल दो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस कि मैक्सिमम विंस एंड स्टिल कुड नॉट क्वालिफाई। अब मुझे बताओ कि टोटल मैचेस कितने हैं आपके पास, 56, यानी टोटल 56 विंस डिस्ट्रीब्यूट होंगी, टोटल 56 विंस डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। अब जब भी हमारे पास मैक्सिमम वाला केस आएगा, जितने मर्जी प्लेयर हो आप हमेशा टॉप फाइव के बारे में सोचोगे, जितने मर्जी हो आप हमेशा टॉप फाइव के बारे में जीतोगे सोचोगे, यानी कि इन सब प्लेयर्स ने इनको तो हराया ही हराया, इन सब प्लेयर्स ने नीचे वालों को तो हराया ही हराया दो दो मैच। अब ये सोचो कि अगर मैं फाइव प्लेयर्स को अभी छोड़ दूं, लेट मी लीव दीज फाइव प्लेयर्स, प्लेयर्स कितने बचे मेरे पास, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ, आई एम लेफ्ट विद सिक्स प्लेयर, सेवेंथ प्लेयर एंड एट्थ प्लेयर। अब ये तीन प्लेयर आपस में कितने मैच खेलेंगे, हाउ मेनी मैचेस विल दे प्ले इन बिटवीन देम, दीज थ्री प्लेयर्स, सिक्स मैचेस, परफेक्ट। सो कैन आई से आउट ऑफ 56 विंस जो 6 विंस है वो तो इन तीन प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी ही होंगी, कैन यू से दैट कि इनमें से ये 6 विंस तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगी ही होंगी, बाकी कितनी विंस बची, 50 विंस बची, और बाकी टीम कितनी बची, 5 टीम्स बची, यस आंसर इज 10। अब ये 5 टीम्स हैं और 50 विंस हैं, अब मैं एक ऐसा सिनेरियो बनाता हूं कि 50 में से हर टीम ने 10-10 मैच जीत लिए, कैसे कि फिफ्थ टीम ने सिक्स्थ को, सेवन्थ को और एट्थ को, फिफ्थ ने इसको भी दो मैच हराए, इसको भी दो मैच हराए, इसको भी दो मैच हराए, सबके लिए पॉसिबल है ये, फिफ्थ ने सिक्स्थ को भी दो हराए, सेवन्थ को भी दो हराए और एट्थ को भी दो हराए, तो टोटल कितने हो गए ये, 6 मैचेस तो यहां से जीत गया, प्लस 1, 2, 3, 4 इन सबसे एक मैच जीता एक मैच हार गया, एक मैच जीता एक मैच हार गया, तो कितने विंस और आ गई, 4, तो टोटल कितनी विंस होगी, 10 विंस, यानी टॉप 5 टीम्स की 10 विंस ईच है और फिर भी आपकी जो फिफ्थ वाली टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है, यानी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस ऑन विच द टीम कैन नॉट क्वालिफाई, दैट इज 10। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? इसी को वो पॉइंट्स में पूछ लेते हैं,
अगर मैं आपसे पूछ लेता कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विच अ टीम कैन गेट एंड नॉट क्वालिफाई, तो आप कहते 10 × 2 = 20। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। दोबारा समझाता हूं मैं, हमने सिंपली कहा हाँ ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, मैक्सिमम के लिए हमेशा यही करोगे टॉप के 5। मैंने कहा यार क्योंकि हमें जब भी हमें 5 को क्वालिफाई कराना है, जब भी हमें 4 को क्वालिफाई कराना है, अब देखो वन ऑफ यू हैव आस्क्ड कि व्हाई नॉट 5, 6, 7, 8, हम इन चारों को क्यों नहीं मिनिमाइज कर रहे। अगर मैं इन चारों को मिनिमाइज करता हूं तो मैं इन चारों को ऑप्टिमाइज करूंगा। अगर मैंने ये चारों को मिनिमाइज कर रहा हूं तो मैं ऑटोमेटिकली इन चारों को क्वालिफाई करा रहा हूं, तो मैं जैसे मर्जी ऑप्टिमाइज करूं, जब ये चार क्वालिफाई ही हो रहे हैं तो मेरा इन चारों के साथ मतलब ही नहीं बचता। वो तो तभी, अब मैं ऑप्टिमाइज तो तभी करा पाऊंगा ना कि जब मैं जो दो टीम्स है इनके बीच में क्लैश रखू, इन तीनों को चाहे क्लियर कट कर दूं, इन तीनों को क्लियर कट फेल कर दूं और इन दोनों को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूं, ओनली देन इट इज पॉसिबल। इसलिए हम नीचे से 5-6 टीमें नहीं लेते कभी भी। अब मैंने कहा 1, 2, 3, 4 8 टीम्स है टोटल। अब जो टोटल 8 टीम्स है मेरे पास, मैंने कहा कि मैक्सिमम विंस की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम विंस में मैं किस किन दो को क्लैश कराऊंगा, फोर्थ और फिफ्थ को क्लैश कराऊंगा, ये मेरा आइडिया रहेगा कि इन पांचों में किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो मैंने कहा कि टोटल विंस थी मेरे पास 56, फिफ्थ को मैक्सिमाइज ही कर रहा हूं ना मैं। ठीक है, 8c2 into 2 56 टोटल विंस है। सो अरे अगर मैं फर्स्ट थ्री को मिनिमाइज करूंगा तो फिफ्थ को मैक्सिमाइज करके फायदा क्या होगा, फिफ्थ वाला तो वन वाला बन जाएगा। लेट से मैंने इन तीनों को मिनिमाइज करके किसी तरीके से 6-6-6 कर दिया। ठीक है, इन तीनों को 6-6-6 कर दिया, मान लो किसी आइडियल सिनेरियो में इसको 12 कर दिया और इसको भी 12 कर दिया, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं। तो अगर मैंने इन तीनों को 6-6-6 कर दिया तो ये फिफ्थ वाली टीम फर्स्ट वाली बन जाएगी और ये फर्स्ट वाली टीम फिफ्थ वाली बन जाएगी, फायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे सबको एक साथ लेके जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, आपको जितने कम पॉइंट्स पे बात करनी हो, दो दो से डिवाइड करोगे बात तो वही आएगी ना। आप कहोगे कि टोटल कितने पॉइंट्स थे उसको डिवाइड करोगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, आप विंस को डिवाइड करो। ठीक है, अब जब 6, 7, 8 है तो मैंने कहा कि 3c2 × 2 6 मैचेस तो हमने यहीं पे खेलने हैं तो 6 विनिंग्स तो इनको मिलेंगी मिलेंगी आपस में। टोटल विनिंग्स थी 56 में से 6 की तो बची 50, ये 50 मैंने इन 5 में इक्वी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 50/5 10 ईच, यानी कि ये भी 10 जीता, ये भी 10 जीता, ये भी 10 जीता, ये भी 10 और ये भी 10, और फिर भी फिफ्थ वाला क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्लियर है? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, गेम एंड टूर्नामेंट इज सच वाइड टॉपिक, हम एक क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे। देर आर 4 क्लासेस फॉर दिस, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, 4 क्लासेस हैं आपकी। ठीक है, एंड यू विल गेटिंग ऑल 4, तो आप धीरे धीरे हम करेंगे। सी फिफ्थ नहीं जीता यार, अब ये बताओ ना, 1, 2, 3, 4, 5 है, इन पांचों में से चाहे एक कोई एक तो होगा ना जो नेट रन रेट के बेसिस पे या गोल डिफरेंस के बेसिस पे या बाय एनी मीन डिस्क्वालिफाई होगा, चाहे वो फिफ्थ ना हो चाहे वो थर्ड हो। मेरे कहने का मतलब है कि ABCD 5 प्लेयर है, जरूरी नहीं है कि 5 ई वाला प्लेयर ही बाहर हो रहा है, मान लो कि बी वाला प्लेयर बाहर हो रहा है, पर कोई एक तो होगा 5 में से। ठीक है, शेयर अभी नहीं करेंगे उसको, हम उसमें फिर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट सेट विच इज वेरी सिमिलर, सिंस वी हैव 3 मोर सेट्स टू कवर, नेक्स्ट सेट इज क्वाइट सेम, यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेट एंड वी विल सॉल्व इट लेटर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दो इट इज द प्रीटी सेम सेट एंड नॉर्मल से। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। क्लियर है? ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ओके, ट्राई दिस वन नाउ। यू हैव 6 मिनट्स फॉर दिस सेट, आपके पास ये सेट को सॉल्व करने के लिए 6 मिनट्स है। और अगर नहीं लिया स्क्रीनशॉट कोई बात नहीं, मैं बाद में डाल दूंगा फेसबुक पे, कर लेना आराम से।
You have 6 minutes. Right now the time is 10:40. We will discuss it on 10:46. The time starts now.
And we have 1 more minute to solve it. Karirao, sare solve Karirao. Meanwhile, I'm making a table which will help it easier. Okay, now जो points हैं अभी जो points दिए हुए हैं 32 ठीक है अभी जो points दिए हुए हैं 32 29 23 26 and 28 ये आपको points दिए हुए अभी 32 29 23 26 and 28 these are the points right now. अब what is the best scenario possible कि सबसे पहले तो यार मैं देख लूं कि बेस्ड अपॉन दिस इनके विन ड्रॉ लॉस क्या क्या होंगे ठीक है उसको बाद में अपग्रेड कर लेंगे बेस्ड अपॉन दीज स्कोर्स इनके विन ड्रॉ एंड लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं. सो अब यू गाइस टेल मी इफ देर आर 32 विन्स व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इफ देर आर 32 विन्स व्हाट इज द पॉसिबिलिटी क्या क्या हुआ होगा उनके साथ. कहने से 10 विन्स 2 ड्रॉ एंड 1 लॉस देर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी. What about 29 score? 9 wins, 2 draw, 1 possibility, 1 loss. अच्छा 23 कैसे आएगा? अब सबसे पहले यार देखो winnings को उसके पास लेके जाया करो. 7 3 21 possible है हाँ. तो 7. उसके बाद अगर 21 हो गए, उसके बाद 2 draw और 1. क्योंकि 10 मैच खेले हैं इसने हमारे, ठीक है? और 7 दोनों 1 3 12 मैच खेले हैं total. ठीक है इसने 13 12 12 11 14 ओके. अब इसके पास क्या और पॉसिबिलिटी भी है 7 2 3 के अलावा? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी दैट एग्जिस्ट? 6 5 1 परफेक्ट. यू ऑलवेज विल सॉर्ट इट आउट ताकि आपको बाद में आसानी हो. 6 5 1 ओके. नाउ व्हाट अबाउट 26? What about 26? Bolo fatafat. 8 2 1 perfect. 8 2 1 क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? अगर मैं 7 कर दूंगा 8 से कम 7 3 21 तो मुझे 5 ड्रॉ करने पड़ेंगे वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है. सिमिलरली फॉर 28 और 28 में मेरे पास कितने मैचेस है? 14 पूरे ऑक्यूपाई हुए हैं तो यहाँ काफी पॉसिबिलिटीज बन सकती है. एक होगी 9 1 0 ठीक है. I have changed the color for it. अच्छा दूसरी अगर मैं 8 मैच जीता हूं 8 3 24 और उसके बाद 4 ड्रॉ और 2. अगर मैं 7 मैच जीता हूं 7 विंस 7 ड्रॉ 0 ये भी पॉसिबिलिटी है. 9 1 4 होगा सॉरी यार शिट.
मैंने गलती से पूरा टेबल डिलीट कर दिया है। आप लोगों को बाय चांस टेबल तो नहीं नजर आ रहा क्योंकि मेरे से डिलीट हो गया वो गलती से। ओके आई जस्ट क्विकली ड्रॉ इट। ओके जस्ट इन केस समवन वाज स्टक, तो आप जिस पॉइंट पे थे उसके बाद क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओवर हो गया। इफ यू विल जस्ट ऑब्जर्व फटाफट से देखो क्या आंसर आएंगे आपके। चौबीस चार टू ओके क्या ऐसी कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी? सेवन सेवन जीरो ओके ठीक है ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास। ओके नाउ अब हमें पता है कि यार इसके बार्सिलोना के 13 मैचेस हुए हैं, तो बताओ पहले बार्सिलोना अपना मैच किसके साथ खेलेगी, किसके सबसे कम मैच हुए हैं? रियल मैड्रिड, उसके 11 और उसने 3 मैच और खेलने हैं, तो बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड के साथ भी खेलना है अभी। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड के साथ खेलने, ठीक है रियल मैड्रिड ने तीनों के साथ खेलने, रियल मैड्रिड ने सेविया के साथ भी खेलने और रियल मैड्रिड ने एथलेटिको के साथ भी खेलने, ठीक है रियल मैड्रिड के 3 मैच हो गए, बार्सा का ये हो गया, अब इनके भी 13-13 हो जाएंगे, तो एक मैच उनका आपस में भी होगा एथलेटिको और सेविया का। अब सी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज रियल मैड्रिड स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट। रियल मैड्रिड के अभी कितने पॉइंट्स हैं? रियल मैड्रिड के अभी 26 पॉइंट्स हैं और हाईएस्ट कितने हैं? 32 है अभी तक। इसको इससे लेके जाने हैं यार क्योंकि टॉप 5 दिया हुआ है ना, और हमें क्वेश्चन में मेंशनड है कि बाकी सबके तो मैच हो ही चुके हैं। इट इज गिवन व्हेन 11 ऑफ द 15 टीम्स वर डन प्लेइंग ऑल द मैचेस, 11 में से 15 में से तो 11 तो हो चुके हैं, बचे ही 4, वो 4 ये बचे हुए और इसमें से भी 5वें के सारे हुए हुए। अब द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज नो टू टीम्स अमंग द टॉप 5 हैव सेम नंबर ऑफ ड्रॉन मैचेस। कोई भी दो टीमों के 5 में से सेम ड्रॉ मैचेस नहीं है इन 5ों में से किसी भी दो के, और हमें यह भी पता है कि रियल मैड्रिड ने टॉप किया हुआ है। अच्छा अगर मैं अभी देखूं तो रियल मैड्रिड के कितने ड्रॉज है मेरे पास? 2 ड्रॉ है, और बार्सिलोना के भी कितने ड्रॉ है? 2 ड्रॉ है। अगर मैं रियल मैड्रिड को तीनों मैच जिता देता हूं, क्योंकि रियल मैड्रिड ने टॉप करना है तो मुझे पता ही है, अभी रियल मैड्रिड 26 पे है और उसके 3 मैचेस बचे हैं, उसको 32 से आगे लेके जाने, तो क्या सिनेरियो है? या तो मैं 3-3 जिता दूं तो उसके कितने हो जाएंगे पॉइंट्स? 35। कहने से फिर रियल मैड्रिड ने उस केस में बार्सिलोना को भी हराया, सेविया को भी हराया और एथलेटिको मैड्रिड को भी हराया। लेकिन उस केस में जब उसने बार्सिलोना को हरा ही दिया तो कहने से बार्सिलोना के भी 2 ड्रॉज रहेंगे और रियल मैड्रिड तीनों जीत गई, मतलब कोई ड्रॉ नहीं हुआ, उसके भी 2 ड्रॉ रहेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नन ऑफ द टीम्स हैव सेम नंबर ऑफ ड्रॉन मैचेस। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि रियल मैड्रिड अपने सारे मैच जीती हो। क्या ये बात समझ आती है? येस और नो प्लीज एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर?
ओके सी रियल मैड्रिड के इस वक्त ग्यारह में से दो ड्रॉ है, बार्सिलोना के इस वक्त तेरह में से दो ड्रॉ है। अगर मैं रियल मैड्रिड को बचे हुए तीन के तीन मैच जिता देता हूं, यानी रियल मैड्रिड ने कोई भी और मैच ड्रॉ नहीं किया, तो रियल मैड्रिड के तो दो के दो ड्रॉ रह जाएंगे, बाकी के साथ नहीं हो सकते ना यार, बाकी के साथ कैसे करोगे। अब देखो वेलेंसिया के अलावा सारी टीम्स के मैच हो चुके हैं, अब रियल मैड्रिड के पास ऑप्शन ही ये खेलने के लिए सेविया, एथलेटिक और बार्सिलोना, और रियल मैड्रिड ने 14 मैच खेलने हैं, तो अगर 14 खेलने हैं तो उसको एक इसके साथ खेलना पड़ेगा, एक इसके साथ खेलना पड़ेगा, एक इसके साथ खेलना पड़ेगा, इसके 14 पूरे हो गए, इसके 13 हो गए, इसके भी 13 हो गए, इसके कितने हो गए 12। अरे बाकियों के ड्रॉस तो आप बढ़ा दोगे, लेकिन जब रियल और बार्सिलोना के ही इक्वल हो जाएंगे तो आपकी सिचुएशन तो वहीं पे अटक जाएगी ना, किसी भी दो टीम्स के इक्वल नहीं है, तो जब रियल और बार्सिलोना की क्लैश हो गए तो आप आगे कैसे प्रोसीड करोगे बाकियों के ड्रॉस के लिए। क्या ये कंडीशन क्लियर होगी सबको, यस और नो प्लीज, ये भी समझ आ गया कि ये मैचेस यहीं पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कि रियल मैड्रिड का मैच यहीं पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समथिंग सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्लियर। ओके अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का मैच था, वो तो रियल मैड्रिड ही जीती है, दोनों ने ड्रॉ नहीं किया होगा, कहीं अगर दोनों ड्रॉ कर देंगे तो दोनों के तीन तीन हो जाएंगे उस केस में, ठीक है। और फिर हमको रियल मैड्रिड को आगे भी तो लेके जाने, अब रियल मैड्रिड के पास आगे जाने के लिए दो ही सिनेरियो थे, पहला सिनेरियो था कि रियल मैड्रिड सारे मैच जीत जाती, 3-3 9, तो 26+9 35 हो जाते। सेकंड सिनेरियो क्या है कि रियल मैड्रिड तीन में से दो मैच जीती और एक मैच ड्रॉ किया, उस केस में रियल मैड्रिड के टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, 26+6+1 कितने हो गए 33, उस केस में रियल मैड्रिड के टोटल पॉइंट्स कितने हुए 33, और ये रियल मैड्रिड की फाइनल स्टैंडिंग रहेगी कि 14 में से उसने ड्रॉ, उसके पॉइंट्स कितने हुए 33, उसने ड्रॉ कितने किए 3, वो मैच जीती कितने अपने, अच्छा बताओ कितने मैच जीती 10, और उसने लूज कितना किया 1, ये हुआ रियल मैड्रिड की स्टैंडिंग। क्या रियल मैड्रिड का सबको समझ आया, रियल मैड्रिड सॉर्ट आउट हो गया यहां पे। अब सिमिलरली बार्सिलोना तो अपना मैच हार ही गई रियल मैड्रिड से, क्योंकि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना अगर दोनों ड्रॉ होते तो दोनों के तीन हो जाते, विच इज नॉट पॉसिबल, दिस मीन बार्सिलोना लॉस्ट इट मैच, तो बार्सिलोना के दो के दो ड्रॉ रहे, ठीक है, और लूज जो थी लूजेस दो हो गई, विनिंग्स 10, पॉइंट्स हुए 32, और इसका भी किस्सा खत्म हो गया 14 मैचेस। अब ये फाइनल है, यानी बार्सिलोना के दो ड्रॉज हो चुके हैं और रियल मैड्रिड के तीन ड्रॉज हो चुके हैं, दो और तीन, ये इक्विप हो चुके हैं, अब किसी भी टीम के, किसी भी और टीम के दो और तीन ड्रॉज नहीं पॉसिबल। अब मैं देखता हूं है किसके दो, जो एथलेटिको मैड्रिड है, द टीम एथलेटिको मैड्रिड, इसके इस वक्त कितने ड्रॉ है, दो ड्रॉ है, एथलेटिको मैड्रिड के इस वक्त दो ड्रॉ है, और एथलेटिको मैड्रिड के मैच कितने बचे हैं, दो ही मैच बचे हैं, तो अब क्या होगा, एथलेटिको मैड्रिड के कितने फाइनल ड्रॉज होंगे, टेल मी, दो ड्रॉ होंगे, क्यों, क्योंकि अगर वो एक ड्रॉ करती है तो तीन होंगे, जीरो ड्रॉ करती है तो दो रह जाएंगे, ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है, यानी एथलेटिको मैड्रिड ने अपने क्या करे, बाकी दोनों मैचेस ड्रॉ किए, यानी 14 मैचेस थे, 4 ड्रॉ हुए, 9 जीती 1 हारी, तो इसके फाइनल पॉइंट्स कितने हुए 31, इसके फाइनल पॉइंट्स हुए 31। अब हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, वेलेंसिया इज नॉट इन्वॉल्व इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज, वेलेंसिया के हाईएस्ट ड्रॉज नहीं है। अब मेरे पास तीन टीम्स कितनी बची है, दो, सी सेविया के पास दो मैचेस बचे हैं, सेविया के पास दो मैचेस बचे हैं, अगर वो दोनों मैचेस ड्रॉ कर देती है तो भी कितने पे पहुंचेगी 4 पे, अगर एक मैच ड्रॉ करती है तो कितने पहुंचेगी 3 पे, वो तो पॉसिबल नहीं है, यानी सेविया का एक मैच तो पक्का ही ड्रॉ हुआ हुआ है, सेविया और एथलेटिको वाला, ये तो पक्का ही ड्रॉ है क्योंकि एथलेटिको के दोनों मैचेस ड्रॉ थे, तो एथलेटिको और सेविया का भी ड्रॉ है, तो सेविया के कितने ड्रॉ हो चुके हैं 6, और अब सेविया को एक और ड्रॉ दे सकता हूं मैं, हाँ या ना, कैन आई गिव वन मोर ड्रॉ टू सेविया, यस और नो, नो, एंड व्हाई नो, अब मैच बचा कौन सा है, ओके आई विल रिपीट इट, ध्यान से सुनना प्लीज,
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेप है, ध्यान से सुनना। हमारे पास देखो, अब जब मैंने कहा कि रियल मैड्रिड दो मैच जीती है और एक मैच हारी है, रियल मैड्रिड दो मैच जीती है और एक मैच ड्रॉ किया है, तो वो ड्रॉ बार्सिलोना से तो उसने किया नहीं, रियल मैड्रिड ने किससे ड्रॉ किया होगा, या रियल मैड्रिड ने एथलेटिको से ड्रॉ किया होगा या रियल मैड्रिड ने सेविया से ड्रॉ किया होगा। लेकिन मुझे पता है कि जो एथलेटिको मैड्रिड के दो मैच थे वो दोनों ड्रॉ हुए, एथलेटिको के जो दो मैच थे वो दोनों ड्रॉ हुए, यानी एथलेटिको का रियल वाला भी ड्रॉ हुआ, दिस इज ड्रॉ, और एथलेटिको का सेविया वाला भी ड्रॉ हो गया, यानी एथलेटिको को मैंने तभी तो चार ड्रॉस किए ना, यानी जब सेविया वाला ड्रॉ हुआ तो सेविया के पहले कितने थे, पांच, अब एक ड्रॉ उसको और मिल गया तो कितने हो गए, छह हो गए। अब वेलेंसिया के मैक्सिमम ड्रॉज नहीं है, वेलेंसिया के मैक्सिमम ड्रॉज नहीं है, यानी वेलेंसिया का ये सात वाला केस पॉसिबल नहीं है, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली चार वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि चार वाला भी एथलेटिको का हो चुका है, तो इसका कौन सा बचेगा, 9-1-4 वाला केस, इसका केस कौन सा बचेगा, 9-1-4 वाला केस। ये बात समझ आती है सबको कि नहीं, कि वेलेंसिया का मैक्सिमम वाला केस तो पॉसिबल है नहीं, तो और फोर वाला वैसे पॉसिबल नहीं है, तो 9-1-4, तो यहां पे कितने पॉइंट्स आए इसके पास, इसके पास कितने पॉइंट्स हो गए, 27 और 1 28 पॉइंट्स हो गए, और यहां पे कितने हुए, 14 पॉइंट्स हो गए। अब क्योंकि वेलेंसिया ने सिर्फ एक मैच ड्रॉ किया है, वेलेंसिया ने सिर्फ एक ही मैच ड्रॉ किया और वो भी पहले ही हुआ हुआ था, वो भी पहले ही हुआ हुआ था। यार 8-4-2 में ये इशू है ना श्रेया, क्योंकि 9-4-1 तो हो ही चुका है, एथलेटिको का 9-4-1 है, अब एथलेटिको के चार ड्रॉज हो चुके हैं तो चार ड्रॉज वेलेंसिया के भी होंगे, तो दोबारा क्लैश हो जाएगा। अभी हमने डिसाइड किया था नो टू टीम्स हैव सेम क्लैश। अब सेविया का जो एक मैच बचा वो तो ड्रॉ हुआ नहीं, ठीक है, उसमें तो रिजल्ट आया, तो सेविया की फाइनल स्टैंडिंग क्या रहेगी आपके पास, व्हाट इज द फाइनल स्टैंडिंग फॉर सेविया नाउ टेल मी। एवरीवन टेल मी सेविया की फाइनल स्टैंडिंग क्या रहेगी, 6-6-2, परफेक्ट, 6-6-2, और पॉइंट्स कितने होंगे इसके, 6-3-18 और 6-24 पॉइंट्स होंगे, और इसके भी 14 मैच खत्म, इसके साथ आपका ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन, यस और नो प्लीज। ओके, नाउ टेल मी ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल हाउ डिफिकल्ट वॉज दिस सेट, इफ यू टॉक अबाउट डिफिकल्टी लेवल हाउ डिफिकल्ट वॉज दिस सेट, कैन आई से 3 out of 5, नॉट 4, इट वॉज अ 3 out of 5 सेट, एंड दिस सेट शुड हैव बीन अटेम्प्टेड, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था। सी मैं आपको समझा रहा था इसीलिए टाइम लगा, नहीं तो अगर आपको ये क्लिक करे कि तीन ड्रॉज हुए उसके बाद आप सिर्फ ड्रॉ वाली बात पे खेलो तो आपका सेट बहुत जल्दी केस बन जाएंगे, ज्यादा केसेस नहीं बन रहे इस क्वेश्चन में, इफ यू विल कंसीडर केसेस तो एलिमिनेट बहुत ज्यादा जल्दी हो रहे हैं, अगर आपको इसमें ज्यादा केसेस लग रहे हैं तो जो लास्ट सेट हमने करना है उस सेट में तो आप कहोगे कि ये तो 5 में से 7 था। इज दिस क्लियर, यस और नो। ओके, एस प्लेस अगेंस्ट सेविला, सेविला ने अपना एक मैच एथलेटिको के खिलाफ खेला और एक रियल के खिलाफ खेला, रियल और सेविला में सेविला हार गई है और रियल और एथलेटिको में, सॉरी सेविला और एथलेटिको में वो ड्रॉ हुआ है क्योंकि रियल तो जीती ही थी अपने दो मैच। ओके, ट्राई दिस सेट, दिस इज द फाइनल सेट, जो लास्ट सेट है वो वी विल डू टुमारो, टुमारो यू विल हैव अ लिटिल लेंथी क्लास, आपकी क्लास 9:30 से 11:30 तक होगी शायद, या शायद लंबी भी हो सकती है, तो प्लीज अपना खाना वाना खा के आना कल सारे।
ट्रस्ट मी इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सेट, बट प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत जल्दी हो जाएगा. सिर्फ 2-3 मिनट का सेट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नई सेक्शन Okay, let us solve the set now. I hope aapko samajh to aa gaya hoga theory wala part. I won't speak the theory wala part. Okay, Anubhuti, you have 1 more minute. Akshat galat hai. Shreya galat hai. Bhavna bhi galat hai. सिट भी गलत है. ये तो तुम मेरे साथ एलिमिनेशन खेल रहे हो, 7 गलत ऑप्शन पूछ के तुमने 8वां निकलवा लेना अपने आप. ओके यार, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मैं सिंपली देखता हूँ कि मैं किससे किससे मेरे को रिलेशनशिप पता है. मुझे मुझे एक रिलेशनशिप किसके साथ पता है? ओके, एक रिलेशनशिप मुझे जी के साथ पता है, यानी जी का रैंक ए से एक ज्यादा है. ठीक है, मुझे बी का रैंक किसके साथ पता है? बी का मुझे ई के साथ पता है, ई से 4 ज्यादा है. ठीक है, और मुझे किसका रैंक पता है? सी और बी का भी पता है कि बी का रैंक सी का रैंक ए का जी से. नहीं नहीं आप उल्टा पढ़ रहे हो. व्हेन बी बी के आगे जब 4 लिखा हुआ है, यानी बी का ई से 4 ज्यादा है दिया हुआ है हमें. टीम बी देखो, जब बी और ई की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल बी का जो रैंक है वाज 4 मोर देन ई. अब बी और ई के अंदर देखो, यहाँ 4 लिखा हुआ है और बी का ई से 4 ज्यादा है. जब ए और जी में यहां 1 लिखा हुआ था, ए का जी से 1 ज्यादा है. हाँ ठीक है. सो If I talk about B, B और E का क्या रिलेशन है? अगर E का कुछ रैंक है X, तो B का रैंक क्या होगा? X प्लस 4 होगा. ठीक है, ये बेसिक बात है कि अगर E का रैंक है X, तो B का रैंक क्या होगा? X प्लस 4. अच्छा, अब मुझे B और E का बात होगी, C और B का भी पता है. C का रैंक क्या है? C का रैंक B से 3 ज्यादा और है.
सी का रैंक बी से भी तीन ज्यादा है, यानी बी का अगर कुछ रैंक एक्स प्लस फोर है तो सी का रैंक क्या है, एक्स प्लस सेवन। मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, आधा क्वेश्चन तो आपका। अब मेरे पास टोटल रैंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसमें से सी का रैंक है एक्स प्लस सेवन, बी का रैंक है एक्स प्लस फोर और ई का रैंक है एक्स। ई की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट एक्स कैन टेक, वन। तो बस ई का रैंक क्या आया, वन, बी का रैंक क्या आया, फाइव और सी का रैंक क्या आया, एट। खत्म हो गया क्वेश्चन आधा तो यहीं पे। मैं क्या करूं, ठीक है अब देखते हैं और किसका रिलेशन मिलेगा। यहां पे अगर मैं जी की बात करूं, अच्छा जी का कुछ रिलेशन नहीं है अभी, डी का है ए के साथ रिलेशन, डी का हमें कुछ पता है, नहीं पता, ठीक है। एच का रिलेशन जी के साथ है, यानी एच का जो रैंक है वो जी से चार ज्यादा है, यानी अगर मैं जी का रैंक मान लू वाई तो एच का क्या है, वाई प्लस फोर, ये रैंक यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये तो वाई प्लस फोर है। अच्छा और किसका रिलेशन दिया हुआ मुझे, डी और जी का दिया हुआ है, डी और ए का वो हमें नहीं पता अभी, एच और जी का नहीं पता, ए और जी का हमने यूज कर लिया, बी और ई का यूज कर लिया। अच्छा डी और जी इनके बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है। अब यहां पे हिट एंड ट्रायल लगाओ, ए और जी के बीच में है, ए और जी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ए का रैंक जी से क्या है, अगर जी का रैंक वाई है तो ए का रैंक क्या होगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई प्लस वन। अब वाई की क्या वैल्यू हो सकती है हिट एंड ट्रायल से, व्हाट इज द वैल्यू वाई कैन टेक, ये तो मेरा शॉर्ट हो गया। बताओ अब आगे, अगर मैं y को मैं 2 लिख दूं, इसको 2 लिखूं, 2, 3 और 6, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर 3, 4 और 7, ये पॉसिबिलिटी है। अब आप इसमें से कौन सी वाली लोगे ये बताओ मुझे, और क्यों लोगे, थिंक ओवर इट। विच पॉसिबिलिटी विल यू टेक इन वाई, यू हैव 2 मिनट्स टू थिंक ओवर इट। थ्री फोर सेवन, बिकॉज डी इज वाई माइनस वन, डी और ए की भी रिलेशन दिया हुआ है ना हमें, देखो ए और डी का रिलेशन दिया हुआ है, डी का ए से दो कम है, डी का ए से दो कम है, तो डी का रैंक क्या होगा, वाई माइनस वन होगा। अब मुझे वाई माइनस वन भी फुलफिल करना है और वाई प्लस वन भी फुलफिल करना है और मुझे वाई भी फुलफिल करना है, यानी तीन कंजेक्टिव रैंक चाहिए मुझे, तीन कंजेक्टिव रैंक कहां पे आ रहे हैं, 2, 3, 4 पे आ रहे हैं, तो यानी वाई की वैल्यू क्या लोगे आप, 3 लोगे। तो y को जब मैंने 3 लिया, ठीक है, y को जब मैंने 3 लिया तो मेरा थर्ड रैंक कौन आ गया, मेरा थर्ड रैंक इज g, थर्ड रैंक इज g, मेरा सेकंड रैंक कौन आया, d, अब कौन सा रैंक बचा, फोर्थ रैंक, फोर्थ रैंक कौन आया मेरा, a, और सेवंथ रैंक निकाला हमने, सेवंथ रैंक किसके पास आया मेरा, h, ठीक है। अब सेवंथ रैंक अगर h के पास आया तो इसके लिए कौन सा बचा हमारा, सिक्स रैंक इसके लिए बचा मेरे पास, f। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा पूरा का पूरा, इज दिस क्लियर, यस और नो प्लीज। नाउ टेल मी, वाज दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट ऑन 1 to 5, हाउ डिफिकल्ट वाज दिस सेट, 2 or 2.5, but still most of us were struck because first we were exhausted and second we didn't want to do, bahut time ho gaya tha, theek hai, so the last set I'll just keep it as reserve,
ठीक है, वी विल डू दैट टुमारो, बट प्लीज 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 ठीक है, बट प्लीज कल थोड़ा और प्रिपेयर होके आना, एंड जो भी हम करेंगे आंसर क्या है, अब तो बस आंसर खत्म हो गया सक्षम, अब आंसर क्या बचा देख लो, फर्स्ट का आंसर क्या है, विच टीम एंडेड विद रैंक वन, रैंक वन किसका आया हुआ है, ई का आया हुआ है, एंड ए और एच के बीच में डिफरेंस कितना है, ए का रैंक कितना है 4 और एच का कितना है 7, 3 फर्क है, अच्छा एक्चुअल के हिसाब से, अब प्रिसीव्ड वाला वो देखो एक बार, जो प्रिसीव्ड वाला रैंक है वो देखो, जो उसने सोचा था होगा और जो हुआ है वो किस उस वो कितना है, दो टेबल बना लेते हैं इसके, अब अगर मैं बात करूं, हाँ हाँ यूज है ना, मैं बताता हूँ प्रोसीड और एक्चुअल के हिसाब से, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनका रैंक होना कितना चाहिए था, एक्चुअल और जो गेस्ट रैंक था, ठीक है, एक्चुअल रैंक कितने कितने निकले, एक एक्चुअल रैंक कितना था फटाफट बताओ मुझे, एक एक्चुअल रैंक कितना था 4, अच्छा 4 5 8 2 1 6 3 7, ठीक है सक्षम आपके भरोसे अभी ये सेट, और गेस कितना किया था, ए का -4 है, -4 का क्या मतलब है, ये प्रेडिक्टेड है, यहां पे प्रेडिक्टेड लिखूंगा मैं, ठीक है, सी इसके बारे में आपको क्या दिया हुआ है, आपको बिफोर द ये द किंग मोरिया प्रेडिक्टेड द रैंक ऑफ ए टीम, द फॉलोइंग ए टीम रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन द रैंक प्रेडिक्टेड बाय द किंग एंड सम प्लेयर्स एट 8 टाउन, फॉर एग्जांपल रैंक ऑफ दिस वाज प्रेडिक्टेड 8 बाय द वाज नॉर्मली 4 मोर, तो ठीक है ये क्या हुआ आपका फर्स्ट टेबल प्रेडिक्टेड का बन गया, द फर्स्ट टेबल इज प्रेडिक्टिव, द 4 5 8 ये सब प्रेडिक्टेड बन गया मेरा, दिस इज द प्रेडिक्टेड वन, और एक्चुअल रैंक क्या होगा, 4 है तो 4 में 4 कम है इसका 8 बन जाएगा, 5 के बराबर 1 आ जाएगा, 8 के बराबर 3 आ जाएगा, 2 के बराबर 5, 1 के मुकाबले 6, 6 के सामने 2, 3 के सामने 7 और 7 के सामने 4, सबको समझ आ गया कि लाइन का यूज क्या हुआ है, यूज ये हुआ है कि उसने कहा था कि जो भी ये सेकेंड लाइन है, दिस सेकेंड लाइन, इन दिस लाइन जो ए का रैंक था वो 4 कम था, ठीक है ए का रैंक 4 कम था, यानी असल में 8 था और 4 कम था यानी 4 था, बी का रैंक क्या था 4 ज्यादा था यानी 5 था लेकिन 4 ज्यादा था तो क्या था 1 था, सिमिलरली सी का क्या था 5 ज्यादा था, 8 के मुकाबले क्या आएगा 3 आएगा, तो रैंक 1 किसका आया, रैंक 1 आया आपका बी का, रैंक 1 बिलोंग्स टू बी, ठीक है, और ए और एच के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आया 4, दिस इज द आंसर, is this clear everyone, yes or no, cool, okay with this we will now finish our class, theek hai, I hope you guys enjoyed and you understood, actual ke hisab se dena hai kyunki at the end pucha hai to at the end actual ke hisab se denge, अक्षत व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ठीक है, चलो विद दिस वी विल फिनिश अवर क्लास, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट.